नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार में जितने भी विभाग है सभी विभाग से रिक्तियां बिहार सरकार ने मांगी है और बहुत जल्द ही सभी विभागों में बड़ी बहाली निकलने जा रही है, जिसमें शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा और दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग में बहालियां निकलने वाली है। तो आप तमाम दर्शक अगर जॉब के इंतजार में हैं तो इस वैकेंसियों पर जरूर ध्यान बनाए रखें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही वैकेंसी निकलती है आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि जन सुराज अभियान में हो रहे खर्चे को लेकर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को दिया करारा जवाब। कहा, तेजस्वी यादव को जन सुराज का चमकता हुआ उजला टेंट 5 स्टार दिखता है, अगर इस गर्मी में खुद को एक दिन भी टेंट में रहना पड़ जाए तो खटिया से उठेंगे नहीं। यह प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। इधर लोकसभा चुनाव में पवन सिंह भले ही न जीत हासिल कर पाए हो लेकिन अब अपनी पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव की करेंगे तैयारी। सवाल यह है कि अगर पवन सिंह अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो नुकसान किसका होगा, यह बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि पूर्णिया से चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं, आए दिन कहीं न कहीं पहुंचकर समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों की क्लास भी लगा रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव पूर्णिया बस स्टैंड पहुंच गए जहां जल जमाव देखकर फायर हो गए, अधिकारियों को भी सुनाई तो अब पप्पू यादव एक्शन में दिख रहे हैं। वहीं पूर्वी बिहार के लोगों को बड़ी सौगात, भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ की लागत से बने 7 मंजिला सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल का जुलाई के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा उद्घाटन, बिहार को यह बड़ी सौगात मिली है। वहीं हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में रेरा करेगा बिल्डर और परियोजनाओं की रैंकिंग। रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा, वेबसाइट पर जल्द जारी होंगी रैंकिंग। घर खरीदने से पहले परियोजना और बिल्डरों को जानने का मौका भी मिलेगा, निबंधित बिल्डरों से सुझाव भी मांगे गए हैं, रैंकिंग के आधार भी निर्धारित की गई है। वहीं स्कूल निरीक्षण के लिए डीएम साहब को करेंगे अफसरों की, डीएम साहब जो है अफसरों की तैनाती करेंगे। शिक्षा विभाग ने निरीक्षण का डीएम को दिया निर्देश, नामित अधिकारी शिक्षा विभाग के नहीं होंगे। आपको बता दें कि अब जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी विद्यालय का और चक निरीक्षण करेंगे। एक तरफ जहां शिक्षक कह रहे थे कि के पाठक के जाने के बाद राहत मिलेगी, लेकिन के पाठक से कम सख्त डॉक्टर एस सिद्धार्थ नहीं है। जिस प्रकार से अब पत्र निकाला गया उससे लग रहा है कि शिक्षक अभी भी अपना विश्वास नहीं जमा पाए हैं, यानी कि बिल्कुल जिलाधिकारी को सौंप दिया गया है विद्यालयों को देख रेख करने की, तो अनुसरण होता रहेगा और जो पहले जांच होता था उससे अलग तरह की जांच अब होगी। बिहार में मानसून के अब 20 जून को पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग से होगा मानसून का प्रवेश, 19 से बादल छाने लगेगा, 20 से हल्की बारिश की भी बातें हो रही है, यानी कि बिहार वासियों को मानसून का अभी 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रवार को पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 17 से 18 जून को मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई थी, लेकिन शनिवार को मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि बिहार में अब मानसून 20 जून को पहुंचेगा। मानसून उत्तर पूर्व भाग से राज्य में प्रवेश करेगा, 19 जून की शाम से बादल छाने लगेंगे। तो अब बहुत जल्द ही बिहारवासियों को इससे गर्मी से राहत, लू से राहत मिलने वाली है। बिहार में बहाली की तैयारी, सरकार ने रिक्तियां मांगी, विभिन्न विभागों में 4,72,676 रिक्त पद हैं। 31 मई 2024 तक के रिक्त पदों की मांगी गई है जानकारी। विभागों को 7 दिन में समान प्रशासन को देना है पूरा ब्यौरा, तो निकलकर किसमें कितना रिक्तियां हैं सामने आ गई है। वहीं बिहार को 3 जोन में बांटकर हर खेत को मिलेगा पानी, हर खेत सिंचाई पानी योजना को वर्ष 2025 तक हर हाल में करना है पूरा, खेती किसानी की बात है। आपको बता दें कि जोन में उत्तर बिहार के जिलों को किया जाएगा शामिल, जोन बी यानी जोन ए में उत्तर बिहार के जिलों को शामिल किया जाएगा, तो वहीं जोन बी में कैमूर, रोहतास, बक्सर, आरा, पटना, नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने की थी समीक्षा, सीएम नीतीश कुमार ने भी
13 जून को ही विभागीय मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा, विकास आयुक्त सह जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद सहित सूबे के आला अधिकारियों के साथ हर खेत सिंचाई की पानी योजना की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने इस योजना को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। 29,952 योजनाएं चयनित की गई है। सरकार ने बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 29,952 योजनाओं का चयन किया था। सरकार के 5 विभागों ने सर्वे किया। सर्वे के बाद हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए तकनीकी आधार पर कार्य योजना बनाई गई है। तो इस प्रकार से बिहार सरकार की नज़र खेतों पर है। फर्जी कस्टमर केयर नंबर बना ठगी करने वाला गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और धराए भी है। साइबर थाने की पुलिस ने बाईपास से 4 को पकड़ा। 20 घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। 6 महीने से किराए के मकान में रह रहे थे। इधर आपको बता दें कि अलग अलग कंपनियों के कस्टमर केयर का फर्जी नंबर इंटरनेट पर अपलोड कर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है। इस गिरोह के 4 सदस्य नालंदा के अंशु कुमार, बिहारी कुमार, शेखपुरा जिले के परतोष कुमार और लखीसराय जिले के दीपक कुमार का साइबर थाने की पुलिस ने बाईपास थाना इलाके से पकड़ा है। यह गिरोह अब तक 20 से अधिक साइबर ठगी का अंजाम दे चुके हैं। तो आप तमाम दर्शकों से भी मेरा आग्रह है कि किसी भी लिंक या किसी भी नंबर को सोच समझ कर डायल करें। इधर शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 2,17,591 पद रिक्त हैं। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां हैं। आपको बता दें कि 65,734 पद रिक्त हैं स्वास्थ्य विभाग में। उसी तरह से अन्य विभागों में भी रिक्त पद हैं। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारी के योगदान के बाद ही रोस्टर पंजी में नाम जुड़ेगा, बदलाव होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पंजी बनाने को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अभी 1985 में जारी दिशा निर्देश के अनुसार होता है रोस्टर पंजी तैयार। विभागों में कार्यरत 11,00,000 से अधिक कर्मचारियों के रोस्टर तैयार करने और रिक्त पदों के क्लियरेंस में भी सहायक होगा। रोस्टर क्लियरेंस और अनुसंधान नहीं, योगदान होगा आधार। यह बड़ी बात होने जा रही है। वहीं परिवार नियोजन के लिए जागरूक करने को गांव-गांव चलेगा अभियान। पटना जिलाधिकारी सत्य कपिल अशोक ने पदाधिकारियों को अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा के सफल आयोजन कर गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। वहीं संस्कृति प्रदेश में 88 नई औद्योगिक इकाइयां लगेगी। 28 जिलों में 916 करोड़ के निवेश पर मुहर, 6,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। आपको बताते चले कि 2 करोड़ रुपये से कम लागत की 37 और 2 करोड़ से अधिक लागत की 51 इकाइयां हैं। पटना, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा प्रस्ताव है। खाद प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश, 2 करोड़ से कम लागत वाली कई इकाइयां भी आई है, 2 करोड़ से अधिक लागत वाली भी इकाइयां आई है। तो इस प्रकार से बिहार के विकास को लेकर बिहार में बम्पर बहाली निकलने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री बहाली के लिए जाने जाएंगे, इसको लेकर वह काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिहार में क्या है, तो बिहार में अब बहुत कुछ है। वैकेंसियां यानी कि बहाली है। तो अब बिहार के लोगों को शायद नहीं भटकना पड़ेगा। बहुत से युवा पीढ़ी अब इस रोजगार में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव भी सामने है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।